प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जन सुनवाई समाधान IGRS प्रणाली के तहत आए समस्याओं के निस्तारण तथा ठंडक से बचाव के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा की गई। गोरखपुर के NIC हाल में सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, DIG राजेश डी मोदक, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, SSP जोगेंद्र कुमार, CDO इंद्रजीत सिंह, ADM फाइनेंस राजेश सिंह, SP नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव R.K. तिवारी ने IGRS से प्राप्त शिकायत पत्र में आवेदक द्वारा अपना मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से अंकित किए जाने, जिला अधिकारी एवं SSP के स्तर से न्यूनतम 50% संदर्भ अधीनस्थ अधिकारियों को अग्रसारित किए जाने, अन्य श्रेणी में दर्ज करने हेतु नोडल अधिकारी का अनुमोदन अनिवार्य रूप से किए जाने का आख्या, डिजिटल OTP से हस्ताक्षर किए जाने वाले पोर्टल पर शिकायतों का निस्तारण एवं प्राप्त फीडबैक पर कार्रवाई, संबंधित समस्याओं का अनुपालन किए जाने हेतु सभी उच्च अधिकारियों द्वारा प्रतिमाह न्यूनतम 30 एवं अधिकतम 50 संदर्भों का श्रेणीकरण के स्वयं के स्तर से परीक्षण करके किए जाने, खराब गुणवत्ता के निस्तारण होने के कारण मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा रैंडम के उपरांत सभी अधिकारियों को स्पष्टीकरण के माध्यम से मांगे जाने वाले लोगों को समय से उत्तर प्रेषित किए जाने, जनपद स्तर से स्पेशल क्लोज किए गए न्यूनतम 40 संदर्भों का सत्यापन व क्षेत्र भ्रमण के दौरान संपूर्ण समाधान दिवस के उपरांत कराए जाने सहित अन्य बिंदुओं की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव R.K. तिवारी ने कहा कि RGRS पोर्टल पर आए शिकायतों का तत्काल निस्तारण किया जाए, जिससे लोगों की समस्याओं के समाधान हो सके। सब लोगों से अनुरोध है, शुरू कर दें अपना माइक। अभी माइक बंद करने से पहले गोरखपुर बंद करके माइक करूंगा। आशीष इंटरनेट से आन बिभी तू भीषण शीत लहरी चल रही है, इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और मेरे स्तर से भी कई निर्देश दिए गए हैं। स्थलों में एक बार पुनः जिलाधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी निरीक्षण कर लें, वहां दिखवा लें कि कितने गोवंश वहां पे हैं, खासतौर से प्रॉपर्टी के अंदर में ये शिकायत आ रही है कि टोकन मिलने के हफ्तों बाद भी खरीद नहीं हो रही है, अप्लाई नहीं हो रहा है। अगर कहीं धान ज्यादा है और किसानों को ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है तो वहां जिलाधिकारी का अधिकार है कि वहां एक एडिशनल कांटा लगा दें, इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये क्यों नहीं किया जा रहा है, ये समस्या भरे और बाकी 15 जिलों का नाम सबके लिए दिया, ताकि ये 15 जिले उन्हें अपने तहसील स्तर पे भी उत्तराधिकार करेंगे, जिला स्तर पे उत्तराधिकार करेंगे, कम से कम इनको एडवर्सिटी का एक चेतावनी जरूर दी जाए। अपना 34, बलरामपुर में 33, बिजनौर में 30, कानपुर शहर में 30 और चंदौली में 30। ऐसे SSP में सर 3 जिले ऐसे जहाँ एक भी मोबाइल नंबर फीड नहीं हुआ सर, ये कुशीनगर कहाँ पे पुलिस में यहाँ पे सर मुख्य सचिव या DGP आपको बताए कि आपके जिले में शिकायतें नहीं सुनवाई हो रही है, बड़ी शर्मनाक स्थिति है। ऐसा लगता है आपको पता ही नहीं है, आपको महीने में एक भी टाइम नहीं मिलता है कि आप खुद देख लें कि शिकायत को किसने किया है। तो ये जब मोबाइल नंबर ही फीड नहीं होगा उसको तो कभी संपर्क नहीं कर सकते, ना कोई फीड ले सकते हैं उसे। पुलिस में सर बस्ती, बलिया, आगरा, मुजफ्फरनगर, गोंडा, इटावा, गौतमबुद्ध नगर, इनमें सर आख्या परसेंटेज कम है, लेकिन न्यूनतम सर अच्छी है सर, 22% से लेकर 39% और बढ़ाई।